क्लास 5, 6, 7 में एक कॉमन टॉपिक है मैथ्स में, कॉमन चीज़ है वो है एस्टिमेशन, नंबर्स को एस्टिमेट किया जाता है। तो उनके क्या रूल्स होते हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एस्टिमेशन कोई एक नंबर्स आपको दिए होते हैं तो और इन्हें एस्टिमेट करना रहता है। तो एस्टिमेट करने के लिए उसे हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपको कहे कि एक नंबर है मान लीजिए 1234, इसे 10th प्लेसेस तक हमें एस्टिमेट करना है। तो ये 1 प्लेसेस पे ये है, 1 पे 10th प्लस पे ये है, 10th प्लस पे ये है। तो हमें अब एस्टिमेट करना है 10 प्लेसेस तक। तो 10 प्लेसेस तक जो है हमें 3 जो है 10 प्लस पे, तो 3 के बाद जो है राइट साइड जो भी नंबर्स है उसे हमें 0 बना देना है। तो 4 को 0 कर देना। अगर 5 से अधिक हो नंबर तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर देना है, प्लस 1 कर देना। तो ये अगर ये 5 होता या 6 होता तो हमें यहाँ प्लस 1 ऐड करना था, लेकिन अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है, 0। 4 को हटा या 4 को 0 बना देना है और 3 वैसे ही रह जाएगा। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसे मान लीजिए हम 10 प्लस तक हमें एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट दिस नंबर 10 प्लसेस। तो 5, 6 है यहाँ पे, लास्ट में 1 और 10 जो है ये 10 प्लेसेस पे 5 है, 1 प्लेसेस पे 6 है, 6 को हमें 0 बना देना है। तो 6 5 से अधिक है, 5 से 5 और 5 से अधिक रहेगा तो उसके पहले नंबर में प्लस 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 को 0 कर देंगे और 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और लास्ट में 0। तो ये 10 प्लेसेस तक एस्टिमेट हो गया। अब चलिए हमें 1000 प्लसेस तक एस्टिमेट करना है। तो 1, 10, 100, 1000। 1000 प्लस पे 2 है और 3, 4, 5 को हम एस्टिमेट करेंगे। तो 3, 4, 5 को हमें तीनों को 0 बना देना है। हमें 1000 प्लसेस तक इसे एस्टिमेट करना है और नंबर क्या था 1, 2, 3, 4, 5 मान लीजिए ये नंबर है। तो 1000 प्लेसेस तक हमें करना है 1, 10, 100, 1000। तो 2000 के प्लस पे है 3, 4, 5, इन तीनों को हमें 0 बनाना होगा। तो 3, 4, 5 को हमने 0 बना दिया। 2 के बगल में यहाँ पे 3 था इसलिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, 0 से ऐड करना होगा। तो 0, 2 प्लस 0, 0। अब चलिए कोई नंबर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे 10,000 तक एस्टिमेट करना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 इसे हमें 10,000 तक करना है। 3 जो है 10,000 प्लेसेस पे है और उसके पहले के सारे नंबर्स को हमें 0 कर देना होगा। 3 के बाद क्या था 4 की जगह पे 0, 5 की जगह 0, 6 की जगह 0, 7 की जगह 0। तो उसके पहले का नंबर जो है 3, उसके जस्ट बगल में 4 था तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये 10,000 प्लेस तक एस्टिमेट हो गया। तो इसी तरह से रूल्स होते हैं कि कैसे उसे कैसे कोई भी नंबर्स को इतने प्लेसेस तक, कोई भी प्लेसेस तक जो है एस्टिमेट कैसे किया जाता है रूल्स। अब कोई आपको ऐड दिए होंगे तो उन्हें किस कैसे एस्टिमेट करना है। तो ऐड में क्या रूल्स होते हैं एस्टिमेशन के, जैसे क्वेश्चन दिए रहेंगे ऐड द एस्टिमेट नंबर्स, ऐड द एस्टिमेट नंबर्स दिए रहेंगे तो ऐड करना है। मान लीजिए वहाँ नंबर है 1, 2, 3, 4 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये दो नंबर है। तो चलिए सिर्फ क्वेश्चन को हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 प्लस 1, 2, 3, 4, 5। तो अब इसमें हमें देखना है ये प्लेस यहाँ इसमें नहीं दिए रहेंगे, सिर्फ ऐड द एस्टिमेट करना है। इसमें सिर्फ दिए रहेंगे कि आप इसे एस्टिमेट कीजिए, एस्टिमेट कीजिए उसका जोड़िए, तो इसमें प्लस नहीं दिए रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना है कि इसे इंडियन न्यूमरल के हिसाब से हमें देखना है। 1, 10, 100, 1000 ये 1000 प्लेसेस तक लास्ट है और ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये 12,000 प्लेस तक है। तो 1000 प्लेस दोनों में कॉमन होंगे क्योंकि वो कम है, तो 1000 प्लेस तक ही हमें एस्टिमेट कर देना है इसमें।
दोनों नंबरों में हमें 1000 प्लस तक इस्टीमेट करना है। तो एक था 1, 2, 3, 4, इसे 1000 प्लस तक करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लस पे 1 है, ये तीनों को हमें 0 बना देना होगा। इस्टीमेट करने के बाद ये हो जाएगा 1000। अब एक नंबर लेते हैं, अब इसके साथ जो जोड़ना था हमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 1000 प्लस तक हमें देखना है, 1, 10, 100, 1000, इन तीनों को 0 बना देना है। इसके बगल में 3 था इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब दोनों को हमें जोड़ देना है, तो वो कितना आया था, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 को हमें 1000 प्लस तक किया था, 1000 आया था। अब दोनों को जोड़ दिए, 13000, ये आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी नियम बिल्कुल सेम है।